two souls colliding. We shared the pieces of ourselves, it's perfect time. तो हेलो फ्रेंड्स, इस वाले वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं कि आप यहां पे जियो 5G अपने शाओमी डिवाइसेस में किस तरीके से अनेबल कर सकते हैं। आपको सिंपली कुछ स्टेप्स को यहां पे फॉलो कर लेना है। इस वाले वीडियो में आप सभी को पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, क्योंकि यहां पे जियो के इश्यूज़ के कारण और कुछ कंपनीज़ के इश्यूज़ के कारण OTA अपडेट्स के थ्रू जियो 5G अनेबल आप अपने शाओमी डिवाइसेस, सैमसंग डिवाइसेस या है आपके पास कोई सा भी डिवाइस हो उसमें आप अनेबल नहीं कर सकते। तो सिंपली एक बार आपको दिखा देता हूँ इस वाले वीडियो में कि आप किस तरीके से अनेबल कर सकते हैं। तो सिंपली आपको सबसे पहले ये वाला कोड को अपने गूगल डायलर या MI डायलर, आपके पास जो भी डायलर है, सिंपली वहाँ पे डायल करना है *#*7266*#*#*#। तो सिंपली मैंने यहाँ पे इसको डायल कर लिया है *#*##। तो सिंपली इसको, इस वाले कोड को डायल करने के बाद आपका यहाँ पे एक मैसेज आ जाएगा कि आपके डिवाइस में आपको 5G सेटिंग्स को ऑन कर लेना है। तो सिंपली सेटिंग्स को ऑन करने के लिए सिंपली सेटिंग्स में जाइए, फिर सेटिंग्स में जाने के बाद सिंपली सिम कार्ड में जाइए, फिर आप अपने सिंपली जियो के ऑप्शन में चले जाइए। तो आपको यहाँ पे ये सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। सिंपली प्रेफर में जा कर के आपको यहाँ पे प्रेफर 5G को सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको सिंपली स्क्रॉल डाउन करके एडवांस सेटिंग्स में जाना है। एडवांस सेटिंग्स में जाने पर आपको यहाँ पे SA मोड का ऑप्शन मिल जाएगा। तो सिंपली इस वाले मोड को ऑन कर लेना, और इस वाले मोड को ऑन करने के बाद आपको सिंपली अपने डिवाइस में एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। उस वाले एप्लीकेशन का लिंक मैंने इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको दे दिया है। तो सिंपली उस वाली एप्लीकेशन को वहां से इंस्टॉल कर लेना। तो आपको सिंपली दिखा देता हूं कि आपको अब यहां पे कौन से स्टेप्स को फॉलो कर लेना है। तो उस वाली एप्लीकेशन का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो सिंपली जा कर के इंस्टॉल कर लेना। फिर आपको सिंपली यहां पे 3 डॉट्स पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको सिंपली यहां से सर्विस मेन्यू पे चले जाना है। इसके बाद फ़ोन इन्फो में चले जाना है, और फ़ोन इन्फो में जाने पे आपको यहां पे सेट प्रेफर नेटवर्क टाइप मिलेगा। सिंपली इस पे एक बार क्लिक कीजिए। इस पे क्लिक करने के बाद सिंपली आपको NR ओनली पे सेलेक्ट कर लेना है। तो सिंपली NR ओनली पे सेलेक्ट करने के बाद सिंपली आपको एक बार हिडन मेन्यू पे आना है, और हिडन मेन्यू पे आने के बाद आपको सिंपली ये सारे सिलेक्शन को यहाँ से ऑन कर देना है। फिर ये सब आपके डिवाइस में सक्सेसफुली ऑन हो जाएंगे। तो इतना सब करने के बाद आपको सिंपली माई जियो एप्लीकेशन को ओपन करके एक बार चेक कर लेना है कि आपको जियो 5G का वेलकम ऑफ़र देखने के लिए मिला है या फिर नहीं मिला है। अगर आपको मिल गया है तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर आपको जियो 5G का वेलकम ऑफ़र देखने के लिए नहीं मिला है तो सिंपली 2 से 3 दिन का वेट कीजिए। आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपको जियो 5G देखने के लिए मिल गया है, जैसा कि मैंने अपने ऑफिशियली ट्विटर अकाउंट पे भी ट्वीट किया है कि आपको मीट एंड डिवाइस में जियो 5G का नोटिफिकेशन आ चुका है, और आप अब अपने मीट एंड डिवाइस में जियो 5G को यूज़ कर सकते हैं। तो आप इस वाली ट्रिक की हेल्प से अपने किसी भी शाओमी डिवाइस, रियलमी, सैमसंग, अपने किसी भी डिवाइस में जियो 5G को फोर्सफुली यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपली 2 से 3 दिन का वेट कीजिए, आपके डिवाइस में नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपके डिवाइस में अब जियो 5G रन कर रहा है। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की पूरी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कीजिए। अगर आप इस वाले यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी ज़रूर से करके जाना। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही।